सो गाइस आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को फोटो का स्किन को स्मूथ करना एंड स्किन को रिटचिंग करना सारी स्टेप इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके एंड कैसे आप लोग बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हो वो भी प्रोफेशनल तरीके से, सारी स्टेप आप लोगों को ये वाला वीडियो के अंदर सीखने को मिल जाएगा। सो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। ओके वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है, सो वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना। चैनल पर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए। एंड मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो चलो वीडियो को आप स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सबसे पहले आप लोगों को फोटो को ओपन कर लेना है ऑटो डिस्केच बुक ऐप के अंदर। एंड यहाँ पे देख सकते हैं फोटो हमारा ऑटो डिस्केच बुक ऐप के अंदर ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो वो भी न्यू ट्रिक के मदद से। ओके तो फोटो का फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, जाना आप लोग को लाइब्रेरी में। ओके एंड थोड़ा सा नीचे को आके आप लोग कुछ इस टाइप का ब्रश देखने को मिलेगा। ओके इस टाइप पर आप लोगों को बहुत सारा ब्रश देखने को मिलेगा, आप लोग किसी भी ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग ब्रश को सिलेक्ट कर लेना। ओके आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे ब्रश देखने को मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे इस ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग पे, ठीक है। सेटिंग पे आने के बाद आप लोगों को ये वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है ब्रश टाइप के अंदर। ओके एंड यहाँ पे आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना स्मार्ज वाला टूल को, तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग सेटिंग का साइज को फोटो के हिसाब से रख लेना है, यानी कि आप लोगों को फॉलोअर को 1% रखना है एंड इसका इसको आप लोगों को 7 या 11 रख सकते हो, ठीक है। फोटो के हिसाब से आप लोग रख लेना, तो मैं यहाँ पे 10 रख लिया। अब मैं यहाँ पे साइज को थोड़ा सा बढ़ा के कुछ इस टाइप से फोटो का फेस के अंदर ब्रश कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को भी इसी टाइप से फोटो का फेस को स्मूथ कर लेना बहुत ही ईजी स्टेप के अंदर, ठीक है। पूरा ही फोटो का फेस को स्मूथ कर लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। ओके सो इस तरीके से आप लोग फेस को स्मूथ कर पाओगे। एंड यहाँ पे देख सकते कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ हो चुका है। ओके तो यहाँ पे तो हमारा फेस स्मूथ हो गया, अब हम लोग फेस को रिटचिंग कर लेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर, ठीक है। क्योंकि आज हम लोग आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से फेस को स्मूथ करना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला फोटो को सेव करना है ऑटो डिस्केच बुक ऐप से। तो सेव करने के लिए आप लोग इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है एंड गैलरी के अंदर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना। अब आप लोग को ये वाला फोटो को आप लोग को ओपन कर लेना लाइट रूम ऐप के अंदर। ओके एंड यहाँ पे देख सकते हैं मैं लाइट मैप को ओपन कर लिया। ओके अब आप लोग वॉल फोटो के अंदर क्लिक कर लेना लाइट मैप को ओपन करने के बाद, ठीक है। एंड ऐड फोटो के अंदर क्लिक करके ये वाला फोटो को आप लोगों को ऐड कर लेना। एंड वाला प्रीसेट का भी आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से अगर डाउनलोड कर लेना। एंड वाला प्रीसेट को भी आप लोगों को ऐड फोटो के अंदर क्लिक करके आप लोगों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फोटो को एक क्लिक के अंदर एडिटिंग कर लेने, तो सबसे पहले आप लोगों को प्रीसेट को ओपन कर लेना। ओके प्रीसेट को ओपन करने के बाद ये वाला प्रीसेट का मैं यहाँ पे सारा सेटिंग को कॉपी कर लूँगा, तो आप लोग को भी इसी टाइप से सारा सेटिंग को कॉपी कर लेना है, ठीक है। थ्री डॉट का आइकन के अंदर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कॉपी सेटिंग्स, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है एंड आप लोग कॉर्नर पे राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला प्रीसेट का सारा सेटिंग कॉपी हो चुका है। अब आप लोगों को बैक करना है जो फोटो आप लोग एडिटिंग करने वालों वो फोटो को ओपन कर लेना, ठीक है। एंड आज हम लोग लाइटरूम ऐप का एक न्यू ट्रिक का यूज करके बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ फेस को स्मूथ कर लिया हूँ। आप लोग देख सकते ये वाला फेस स्मूथ भाई किसी भी ब्रश के अंदर इतना अच्छे तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आज हम लोग न्यू ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग फेस को स्मूथ करना है एंड लाइटरूम ऐप के अंदर फोटो को ओपन कर लेना, ठीक है। अब आप लोगों को जाना है फिर से थ्री डॉट के आइकन के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पेज सेटिंग्स, इसको ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है, यानी कि वाला प्रीसेट का सारा सेटिंग को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लिक के अंदर हमारा फोटो का फेस रिटच भी हो गया एंड बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग एक क्लिक के अंदर एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। अगर आप लोग मैनुअली एडिटिंग करना चाहते हो तो आप लोग मैनुअली एडिटिंग भी कर पाओगे। उसके लिए आप लोग जाना है कलर टूल के अंदर एंड इसके अंदर से आप लोग जाना है मिक्स टूल के अंदर। ओके ऐप पे आप लोग को मिल जाएगा मिक्स टूल, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोग सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है ऑरेंज कलर को, एंड ऑरेंज कलर भाई फेस के अंदर ही काम होता है, ठीक है। और मैं इसका फेस का सैचुरेशन कमा लूँगा, तो यहाँ पे देख सकते फोटो का फेस का ही सैचुरेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसका ह्यू को आप लोग को इस साइड रखना है, यानी कि प्लस, एंड इसका लुमिनेंस को आप लोग बड़ा कमा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इतना ही रख लेता हूँ। ओके अब मैं जाता हूँ ग्रीन कलर के अंदर, ग्रीन कलर का सैचुरेशन को हाई कर लूँगा,
योलोगा का भी सैचुरेशन को हाई कर लूँगा, ठीक है। इस साइड उस साइड करके देख लेना कौन सा आप लोगों का कलर टोन अच्छा लगता है। तो मुझे यही वाला अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे यही वाला रख लिया। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कलर टोन वगैरह को ऐड कर सकते हो। अब आप लोगों को राइट पे क्लिक कर लेना कि डन पे, एंड इसका टेम को आप लोगों को माइनस की तरफ रखना है, ठीक है। यानी कि आप लोग फोटो के हिसाब से देख लेना कौन सा आप लोगों को अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे देख सकते इसका टी शर्ट का कलर के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर भी ऐड हो चुका है। फोटो अभी से कितना ज़्यादा बढ़िया लुक दे रहा है, तो बिफोर आफ्टर देख सकते कितना ज़्यादा अंतर हो चुका है वाला फोटो के अंदर। तो यहाँ पर हमारा पूरा ही फोटो रेडी हो चुका है कुछ मिनट के अंदर। ओके, सो इस तरीके से आप लोग फोटो का फेस को रिटचिंग कर पाओगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो यहाँ पर हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। फोटो को सेव करना है, सेव करने के लिए आप लोगों सिर्फ सेट टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, सेव टू डिवाइस के अंदर क्लिक करके आप लोगों फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, सो गाइस आज के वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।